गुड मॉर्निंग बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था विच वॉज द मैजिकल यूनिवर्स। ओके, इसके बारे में जाना था, जिसमें हमने गैलेक्सी, हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, इसके बारे में जाना था। फिर इसके अलावा जो अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, मतलब सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पे सन के अराउंड एक यूं बोल सकते हो चक्कर लगाता है, जिस फिक्स पाथ पे चक्कर लगाता है उसको हम ऑर्बिट के नाम से जाए, ऑर्बिट वर्ड है उसका। ओके, और उनकी अपनी खुद की एक नेचुरल सैटेलाइट्स भी रहती है, जैसे नेचुरल सैटेलाइट जो कि हेवनली बॉडीज है, जो कि नेचर मतलब वो उनका एग्जिस्टेंस अपने आप वो खुद बनी है। ओके, ऐसे हेवनली बॉडीज हमारे अर्थ के पास एक है मून, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है ना, अर्थ के आसपास वो चक्कर लगाता है, अर्थ के अराउंड वो चक्कर लगाता है। और इसके अलावा हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जाना था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि हम ह्यूमंस ने ऐसे सैटेलाइट्स बनाए जो अर्थ के आसपास चक्कर लगा के अर्थ की सारी इन्फॉर्मेशन दे, जैसे लाइक हमारा जो अभी कम्युनिकेशन होता है ना, लाइक वीडियो कॉल्स होती है, आपका फ़ोन लगता है, ये सब उन सैटेलाइट्स की बदौलत हो पा रहा है। हमें वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत पहले मिल जाती है, लाइक जैसे अरब सागर में तूफान आना होता है, उसका हमें पहले से पहले मिल जाता है। तो ये सारी जो सैटेलाइट्स है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, वो साइंटिस्ट बनाते हैं ताकि अर्थ से रिलेटेड इन कुछ इन्फॉर्मेशन हमें समय से पहले मिल जाए, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, मोबाइल पे बातें हो रही हैं, इंटरनेट पे हो रही है, सब कुछ उन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से हो पा रही है। ओके, और इसके अलावा हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना था, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं इनके बारे में जाना था, और इसके अलावा हमने ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में जाना था, जो कि रहता तो बिल्कुल प्लैनेट की तरह बॉडी है पर लेकिन सन के आसपास चक्कर भी लगाता है, बट इसको एक फिक्स ऑर्बिट नहीं होती है ना, जैसे सारे जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो मरक्यूरी हो, वेनस हो, अर्थ हो, मार्स हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, इनका इतना फिक्स पाथ है और इतना इनका फिक्स टाइम है कि इतने समय में ये पूरा अपना सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, उनका एक फिक्स टाइम भी है। लेकिन जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट की तरह देखते तो हैं और सन के आसपास चक्कर लगाते हैं, उनमें बस कोई फिक्स ऑर्बिट या फिक्स पाथ नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स टाइम। ओके, उन्हीं में से पहले हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो था, बट लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट ने स्टडी की तो ये जाना कि प्लूटो जो है अदर प्लैनेट के तौर पे एक ऐसा प्लैनेट नहीं, ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि उसके पास खुद की एक फिक्स ऑर्बिट नहीं है। ओके, जिस कारण से उसको हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया था। एट प्रेजेंट हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स। ओके, इसके अलावा आज जो हम पढ़ेंगे और अदर सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, सन, मून, अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में जाना, बट लेकिन आज हम जानेंगे और भी अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो कि स्पेस में प्रेजेंट है, उसमें से एक आता है एस्ट्रॉइड्स। ओके, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं वो सॉलिड रॉकी बॉडीज होते हैं, जो इनका कोई शेप नहीं होता है। ओके, इनका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता, लाइक मून का भी एक स्पेरिकल शेप है, प्लैनेट्स के स्पेरिकल शेप्स हैं, बट लेकिन एस्ट्रॉइड्स का ऐसा कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इनको ये भी शेप हो सकता है, ये भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं अपनी ऑर्बिट पे। ओके, इनको प्लैनेटॉइड्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब दुनिया का सबसे पहला और लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड जो डिस्कवर हुआ था वो सन 1801 साल 1801 में पहली बार एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया गया। ओके, देन कम्स कॉमेट्स। ओके, कॉमेट्स कहाँ के बने हुए होते हैं, ये भी रॉक्स के बने हुए होते हैं, बट लेकिन इनके साथ साथ ये गैसेस, आइस या वाटर, इन सब का मिक्सचर होके ये कॉमेट्स बनते हैं। ओके, पर जैसे ही ये कॉमेट्स सन की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो गैसेस है या वाटर है या आइस है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, हीट होने की वजह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन रॉकेट्स के पीछे जो आपको ये टेल मिली है वो हमें दिखना स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि वो रॉक्स से ये जो आइस है या गैसेस वो पिघल कर दूर होना स्टार्ट हो जाती है। एज ए रिजल्ट हमें कॉमेट्स कुछ इस तरीके से स्पेस में या हमारी स्काई में हमें देखते हैं। ओके, देन कम्स द मेटेरॉइड्स। ओके, मेटेरॉइड्स होते हैं वो स्मॉल रॉकी मैटर पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें मेटेलिक बॉडीज भी होती है और रॉकी बॉडीज दोनों होती है, पर लेकिन एस्टेरॉयड के मुकाबले ये छोटे होते हैं। ओके, एस्टेरॉयड्स बड़े होते हैं पर मेटेरॉयड्स छोटे होते हैं, ये सिमिलर इनमें रॉक भी हो सकता है और इसके साथ साथ मेटल भी मिला हुआ हो सकता है। ओके, इन मेटेरॉयड्स में जो कि स्पेस में ट्रैवल करते हैं,
हो सकता है बहुत पहले ये एस्टेरॉइड्स के ही पार्ट हो, पर लेकिन एस्टेरॉइड्स में कुछ एक्सप्लोजन हो गया हो, वो टूट के बिखर गए हों, तो आज वो एक मेटेराइट्स बन चुके हैं। ओके, और ऐसा ही माना जाता है कि ये हो सकता है कोई मून, जो पहले कोई मून हुआ होगा, कोई प्लैनेट हुआ होगा, तो उससे एक्सप्लोर हो गया, ऐसा कोई टुकड़ा हो, तो बेसिकली मेटेराइट्स को इनक्लासीफाई किया जाता है, या तो वो किसी एस्टेरॉइड का टुकड़ा हो, या किसी प्लैनेट का, या मून का, या फिर कोई अदर सेलेशियल बॉडीज लाइक कॉमेट्स का भी टुकड़ा हो सकता है। ओके, नाउ जैसे ही मेटेराइड्स, क्या होता है कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर, अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। कभी कभी अर्थ के आसपास जब रहते हैं तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और कुछ ऐसे मेटेराइड बॉडी जैसे ही अर्थ के अंदर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करना स्टार्ट, मतलब अर्थ की तरफ खींचती है, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही घुसती है ना, अर्थ की सीमा में जैसे उसमें स्टार्ट करती है, तो ये हीटअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और इनमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है ना। और कहीं ना कहीं ये एडवांटेजेस है हमारे लिए। ओके, कुछ इस तरीके से आपको नाइट स्काई में ये देखेंगे मेटेराइट्स, बेसिकली आपको जैसे क्योंकि आप टूटते हुए तारे के नाम से भी आपका भी कई बार आपको पेरेंट्स सब बोलते हैं टूटता हुआ तारा है, बट बेसिकली इट्स नॉट बर्निंग स्टार या टूटता हुआ तारा नहीं है, ये बेसिकली मैग्नेट्स बॉडी है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर होती है, तो अर्थ के अपना एटमॉस्फेयर जो अपर लेयर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिससे ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और इनमें आग लग जाती है, और ये मेटेराइट्स जल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है, अगर ये मेटेराइट्स नहीं जलते तो हमें काफ़ी नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रॉकी पार्टिकल है या मेटेलिक बॉडी है जो कि हमारे किसी भी जगहगीर के बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। ओके, बट लेकिन ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते आते पूरी तरीके से जल जाते हैं, तो जिससे कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचता। दिस ग्लोइंग बॉडीज आर कॉल्ड मेटियोर्स, और इन्हीं को हम मेटियोर्स या मेटेराइट्स के नाम से जाना जाता है, इनको हम शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, समटाइम्स मेटियोर डू नॉट बर्न कम्प्लीटली इन द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्राइक द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दिस पीसेस आर कॉल्ड मेटेराइट्स। और कभी कभी बाय चांस मेटेराइट्स पूरी तरीके से नहीं जल पाता है, उसका कुछ हिस्सा जो जल नहीं पाता है वो अर्थ के प्लेसेस सरफेस पे जाके गिर जाता है, जिनको मेटेराइट्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अगली जो सेलेस्टियल बॉडी है वो है सन, हमारा सूर्य। ओके, साइंटिस्ट बिलीव दैट मिलियन ऑफ इयर्स अगो ए बिग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस बिगेन टू कलेक्ट टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी, द गैसेज दैट सेटल एट द सेंटर बिकेम हॉट, ऑल अदर गैसेज पीलिंग अप ऑन टॉप ऑफ देम स्लोली द टेम्परेचर कैप्ट इंक्रीजिंग विद राइजिंग हीट, दिस इवेंचुअली फॉर्म द सन। अब कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि लाखों करोड़ों साल पहले कुछ डस्ट और गैसेस एक साथ मिलकर एक जगह इकट्ठा हुई ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वहाँ पे और ज़्यादा गैसेज जो जिस गैसेस का जो तापमान होता है वो वेरी करता है, कुछ गैसेस बहुत ज़्यादा यू नो जिनमें बहुत ज़्यादा पावर हीट होती हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी बाहर फेंकती हैं, जिसकी वजह से वो गैसेज जब एक जगह एक सेंटर में इकट्ठा हुई तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जिससे वहाँ पर जो गैसेस है और ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट हो गई, और स्लोली स्लोली जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता गया हीट इंक्रीज होती गई, और इसी दौरान आज मतलब इवेंचुअली उसी प्रोसेस से हमारा सन बना है विद द हेल्प ऑफ द दोज गैसेस एंड डस्ट, गैसेस और डस्ट से मिल के बना है, जिसमें गैसेस एक जगह एक्यूमुलेटेड होती गई, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो गई, और एज ए रिजल्ट इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई, इतनी ज़्यादा गैसेस एक जगह एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुई, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट हुई, जिससे कि हमारा सन का फॉर्मेशन हुआ। सन जो है एक तरह का बर्निंग प्लेस है ना, जहाँ पे एक आग भी बोल सकते हो, आग का गोला है। ओके, बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ओके, और वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उन गैसेस की वजह से कर रहा है। ओके, दिस हीट मेक्स द सन एक्सट्रीमली हॉट, उस हीट जो है सन को हमारे बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है, और कहीं ना कहीं सन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, दिन रात इसी की वजह से हो रहे हैं, इसके अलावा हमें जो गर्माहट होती है वो हमें सन के थ्रू मिलती है, सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सब की लाइफ में, है ना। ये हमारे प्लैनेट के लिए हीट और लाइट का एक सोर्स है, क्योंकि अर्थ के पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं है, वो सन से लेती है। ओके, इसके अलावा जो है प्लांट्स जो होते हैं फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, अपना प्लांट जो अपने खुद के लिए खाना बनाते हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं सनलाइट से बनता है, और कहीं ना कहीं इसी ने प्लांट्स पर हम भी डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं सन पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ पर। ओके, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्लूटो जो है प्लैनेट जो इसको कि हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया था, वो साल 2006 में हटाया गया था। ओके, बाय द एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिन्होंने प्लूटो को एज ए ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया था, मतलब कि अब वो एक हमारा हिस्सा नहीं है हमारे सोलर सिस्टम का। ओके,
ओके, आज हमने चार सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जाना, ड्वार्फ प्लैनेट्स, सन, मेटेराइड्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के बारे में। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम हमारे ब्लू प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, रोटेशन, रिवॉल्यूशन और कैसे हमारे यहाँ जो डिफरेंट क्लाइमेट्स आते हैं, डिफरेंट मौसम जो आते हैं, ओके, इनके बारे में जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।